इंदौर, पुणे, जयपुर, औरंगाबाद और इसके अलावा पूरे साउथ में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं डिफरेंट एयरलाइंस में, जिसका कि डिटेल आपने देखा वीडियो के थंबनेल में। इसके अलावा 12th बेसिस पर भी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। उम्मीद है आप जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय आपके लिए फिर से एक काफी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं 2 different एयरलाइंस में। इन वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 3 very important पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, यूट्यूब आई डोंट नो वाई मेरे वीडियोस के इन्फॉर्मेशन बहुत लेट भेज रहा है, कई बार तो 1 हफ्ते यानी कि 7 से 8 दिन बाद भेज रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो करके आपको बता चुका हूँ, इसीलिए यूट्यूब के साइड से नोटिफिकेशन का वेट मत किया कीजिए। डेली बेस पे सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम जाकर मेरे यूट्यूब पे जरूर चेक कर लें कि मैंने यानी अभय पांडे यानी फ्लाई एयर ने कोई वीडियो अपलोड किया है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के अलावा भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रिकमेंड करता हूं, उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए, लिंक पे क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जॉब ढूंढना चालू कीजिए। और सबसे खास बात, इतना कुछ जानने समझने के बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। ज़्यादा अर्जेंट हो तो कॉल भी कर सकते हैं, शाम के 7 बजे के बाद मैं उसे रिसीव करके आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th और ग्रेजुएशन यानी कि 12वीं पास और ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब वैकेंसी का अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में, जाकर इंटरव्यू अटेंड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एयर इंडिया की, जो कि है ग्रेजुएशन के बेसिस पे और है ग्राउंड स्टाफ के लिए, इसका अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जरूर दिया था। उम्मीद है आप में से बहुत लोगों ने इसे देखा है। इंदौर, पुणे, जयपुर और औरंगाबाद के लिए ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, ये कंडक्ट होने वाले हैं 17th of March को, जिसके लिए अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एज का वेरिएशन नहीं दिया गया है, लेकिन मिनिमम आपकी एज यहां पर होनी चाहिए 18 years, मैक्सिमम अगर 35 भी है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें जा सकते हैं। दोस्तों, ये है एक वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि अप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्टली जो मैं आपको डिटेल अब बताऊंगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है, तो जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर और भी आपने कुछ कर रखा है, उन सबके मार्कशीट सर्टिफिकेट्स को लेकर, साथ ही साथ जो आपका अपडेटेड रिज्यूम है, इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के प्रूफ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ हो तो उनको लेकर आपको चले जाना है 17th of March को। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं, डिटेल्स, एड्रेस, डेट, टाइम, प्लेस यहां पर। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तब तक ये वैकेंसी निकल गई हो, इसीलिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस को चेक जरूर कर लिया करें। और अब बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की उन स्पेशल वैकेंसीज के बारे में जो कि अभी वॉक इन इंटरव्यू है कंडक्ट होने वाली है। दोस्तों, 17th March को ही इंडिगो में मैंगलोर में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस की वैकेंसी हो सकती है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 18 to 27 years, और रिमेनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वंस अगेन आप देख लीजिए वीडियो के स्क्रीन पे। इसके अलावा बात करते हैं हम दोस्तों 12th बेसिस पे, तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में 12th बेसिस पे कैबिन क्रू के वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, जो कि है इम्फॉल, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, मैंगलोर, कोलकाता, पुणे, गुड़गांव, और दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कह सकते हैं दिल्ली भी इसमें है। लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ये वैकेंसीज हैं। तो अगर आप एयर इंडिया में अपीयर होना चाहते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया आपको उसको लेकर चले जाना है। और अगर इंडिगो एयरलाइंस में आपको अपीयर होना है एज अ केबिन क्रू, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप देख पा रहे हैं, इन सबको लेकर रिस्पेक्टिव जो लोकेशन हैं वहां पर चले जाना है। एक बात ध्यान देने की है, जितने भी लोकेशन है दोस्त, सभी को चेक करने का और अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ध्यान देने की बात है कि अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में जा रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो आपको डायरेक्टली नहीं चले जाना है, सबसे पहले आपको अप्लाई कर लेना होता है, और अप्लाई करने के बाद जो कोड मिलता है उसे आपको अपने रिज्यूम के ऊपर लिखना होता है, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको चले जाना होता है इंटरव्यू के प्लेस पे। तो अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिगो में अप्लाई कैसे करते हैं तो ऊपर वाले वीडियो को देखें, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।